प्यार का मतलब है कि अगाध विश्वास, अखंड विश्वास, कि तेरे पास बिजलियां, मेरे पास आशियाना। अब तेरे हाथ में तू बिजली से इस घर को चाहे जला या इस घर में रोशनी कर, विश्वास है तो रोशनी ही करेगा वो, जलाना प्यार का काम नहीं। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां हैं मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना। फसाना याना बहुचर्चित, टॉक ऑफ द टाउन कह लो या टॉक ऑफ द सिटी जो भी कहना चाहो, बहु प्रतिष्ठित, बहुचर्चित। किसने बनाई? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। फिर वही बात, इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक वो खुदा से नहीं होता है, और जो करते हैं इश्क खुदा से तो उनके जैसा आशिक नहीं होता। तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना। मोहब्बत का जाम पी कर दिल कर चले हवा, मोहब्बत का जाम पी कर दिल कर चले हवा, मोहब्बत का जाम पी कर दिल कर चले हवा, मोहब्बत का जाम पी कर दिल कर चले हवा। अब है खुशी ये तेरी चाहे नाच जो नचा, अब है खुशी ये तेरी चाहे नाच जो नचा, अब है खुशी ये तेरी चाहे नाच जो नचा, अब है खुशी ये तेरी चाहे नाच जो नचा। इसलिए
सीधा जल्दी ही मिल जाए, इजीली संभव नहीं। पहले ही कहता है, साकिन मोहब्बत का हर जाम याद आया, साकिन मोहब्बत का हर जाम जब पिलाया, इसलिए जिस जिसने उससे प्यार किया, पहले बदनामी भी हुई, बड़े दुख मिले उसे, इसके बाद जो मिला वो ही जाने। तीखी है चोट तेरी, नाजुक है दिल हमारा, तीखी है चोट तेरी, नाजुक है दिल हमारा, नाजुक है दिल हमारा, तीखी है चोट तेरी, नाजुक है दिल हमारा, दिल चाक कर दिया है तिरछी निगाह वाले, दिल चाक कर लिया है तिरछी निगाह वाले, चाक यानी टुकड़े टुकड़े, दिल चाक कर दिया है तिरछी निगाह, दिल चाक कर लिया है तिरछी निगाह वाले। हम दो प्रेमी बैठे हैं, बात करते हैं, दूसरा कह रहा है, एक तरफ तू कह रहा है तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो छोड़ इसको, कहीं और दिल लगा ले, बोला बावला हो गया, एक बार हुआ सो हुआ। तो प्यार कोई दो बार हो जाए वो प्यार ही क्या जो दो बार हो, एक बार एक से हुआ सो हो गया, उसके बाद तो इन्फेक्शन, आकर्षण तो है प्यार नहीं। किसी लड़के को देखकर कोई लड़की स्माइल पास कर दे, लड़का गया काम से, अपने दोस्तों के बीच में आकर कहेगा ओ मैनू प्यार कर दी है, साढ़े उठे ओ मर दी है। वैसे किसी लड़की को देखकर लड़का सीटी बजा दे, वो लड़की भी गई काम से, वो भी अपनी सहेलियों में आकर कहती है ओ मैनू प्यार करता है, साढ़े उठे ओ मरदा है। यानी एक की छोटी सी क्रिया दूसरे के ऊपर कितनी बड़ी प्रतिक्रिया डालती है, कि कितना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है उसे, क्या बात कितनी है छोटी सी क्रिया। बाय द वे किसी का स्माइलिंग फेस हो और कोई लड़का उसको देखकर गफलत में बैठ जाए वो मैंने प्यार कर दी है, अब उस चेहरे की गलती है या लड़के की गलती है, क्रिया वही है, लेकिन एक छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी प्रतिक्रिया डालती है। और हमारा अफसोस क्या कि ये दोनों क्रिया वो महोदय कर रहे हैं, श्री कृष्ण कर रहा है, और फिर भी हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। क्या बात है, दोनों क्रिया कौन सी, वो तेरी माधुरी मुस्कान और वो तेरा वेणु वादन, वेणु वादन बंसी बजाना आज की भाषा में सीटी बजाना, सीधी सी बात, वो तेरी माधुरी मुस्कान वो तेरा वेणु वादन, प्यारे कहीं कोई रंगीन शरारत तो नहीं, क्या बात, कहीं कोई रंगीन शरारत तो नहीं, क्यों मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठी हूँ वो तबस्सुम वो तरन्नुम कहीं तेरी आदत तो नहीं, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठी हूँ वो तबस्सुम और वो तरन्नुम कहीं तेरी आदत तो नहीं, तेरा तो स्माइलिंग फेस और मैं समझू साढ़े उठे वो मर्द है, इसलिए तीखी है चोट तेरी, नाजुक है दिल हमारा, तीखी है चोट तेरी, नाजुक है दिल हमारा, बेताब कर रहा है ये इश्क तेरा मुझको, बेताब कर रहा है हिज्र
यानी वियोग विरह। प्यार है तो मिलना भी एक फितरत सी बन जाती है, एक रस्मों रिवाज हो जाता है मिलने का, लेकिन तुम नहीं मिलते हो तो क्या। ये हिज्र तेरा मुझको बेताब कर रहा है, ये हिज्र तेरा मुझको बेताब कर रहा है, ये हिज्र तेरा मुझको बेताब कर रहा है, कर रहा है। जैसे मिले तसल्ली वैसे ही आजमा, तुझे ऐसे मिले तसल्ली वैसे ही आजमा रे, जैसे मिले तसल्ली वैसे ही आजमा, जैसे मिले तसल्ली वैसे आजमाए। इनकार कुछ नहीं है तेरी खुशी में खुश है, इनकार कुछ नहीं है तेरी खुशी में खुश है, इनकार कुछ नहीं कार कुछ नहीं है तेरी खुशी में खुश है। रूह कोश हमको कर दे या सीने जरा लगा, रूह कोश हमको कर दे या सीने जरा लगा, धड़क रहा है, कर करके याद तुझको सीना धड़क रहा है, कर करके याद तुझको सीना धड़क रहा है, कर करके याद तुझको सीना धड़क रहा है। पहलू में अपने प्यारे अब तो हमें छिपा ले, पहलू में अपने प्यारे अब तो हमें छिपा ले, पहलू में अपने प्यारे अब तो हमें छिपा ले, पहलू में अपने प्यारे छिपाले। मोहब्बत का जाम पीकर दिल कर चले हवाले, मोहब्बत का जाम पीकर दिल कर चले हवाले, अब है खुशी ये तेरी कहे नाच जो नाच, अब है खुशी नाच जो नचा रे, है खुशी तेरी कहे नाच जो नचा, अब है खुशी तेरी कहे नाच जो नचा रे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, भजो प्यारे भजो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद दे बंदगी समझ तरीका है बंदगी ना देख जो भी हम बंदगी कर रहे हैं यानी एफर्ट्स साधना उपासना जिस चीज के लिए कर रहे हैं व्हाट इज द एम ऑफ आवर एफर्ट्स हमारी साधना उपासनाओं का परिणाम क्या है डेस्टिनेशन क्या है हमारा पहले ये मुकर्रर करना जरूरी है। कई लोग होते हैं जैसे एक टारगेट बना लिया मुझे डॉक्टर बनना वकील बनना है बहुत अच्छी बात लेकिन जो एक हमने एम बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स हमारे क्या हैं वो बहुत जरूरी है और उसके अंदर कितनी तीव्रता है क्या बात जो भी हम एम बनाए सीधी सी बात अगर जीवन का लक्ष्य ईश्वर है तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कितनी कितनी तीव्रता हो कितनी प्यास हो और यदि हमारा एम कुछ और है उसके लिए हमारे प्रयास कितने हैं इसे कहते हैं मकसद बंदगी समझ तरीका बंदगी ना दे कि भाई यूं करना है ये करना है वो करना है नहीं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे हमारी चाहत ही अपने आप रास्ते दिखाते जाती है वरना बहाने बनाने को तो बहुत कुछ है मकसद बंदगी समझ तरीका बंदगी ना देख इश्क खुद एक बंदगी है इसमें बंदगी ना देख इश्क खुद एक बंदगी है इसमें बंदगी ना देख इसे और भी आज की भाषा में कहूं किसी एक को मानना जरूरी है आप सब स्टूडेंट हैं एलजेब्रा सबने किया होगा एलजेब्रा का में भी कई क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका रिजल्ट आंसर के लिए पहले एक स्वीकार करना पड़ता है सपोज This is equal to A, B और C. वैसे जब एक्सेप्ट करते हैं किसी सत्ता को और आगे बढ़ते जाते हैं तो हर कदम पर उसका हल उसका आंसर निकलता जाता है एंड का जो भी इसका आंसर आए यानी हमें प्राप्त करने के लिए आंसर के लिए समाधान के लिए किसी एक की सत्ता को स्वीकार करना जरूरी है इसी प्रकार अगर जब हम इस संसार को भव सागर मानेंगे इसे पार करने के लिए उसकी सत्ता को मानना बहुत जरूरी है एक को स्वीकार किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते दिशाहीन जाना आना समय की बर्बादी ही करना है अपनी शक्तियों को भी छीन करना है इसी को कहते हैं मकसद बंदगी समझ तरीका बंदगी ना देख इश्क खुद एक बंदगी है इसमें बंदगी ना देख और जिसने अपना एम उसको बना लिया वो कहता क्या है प्रेमी मेरा यार नंद नंदन हो चुका है मेरा यार नंद नंदन हो चुका है केवल यार हुआ ना वो जा हो चुका है जिगर हो चुका है वो जा हो चुका है जिगर हो चुका है ये सच मानिए हर एक अदा पर जो कुछ पास था
सब नजर हो चुका है, जो कुछ पास था सब नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। क्यों? जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये भजन के अंदर सब फिलॉसफी भरी हुई, स्टार्टिंग कहां से? मेरा यार नंद नंदन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ साथ टायरलेस एफर्ट्स, अथक पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ करने के बाद भी ये नहीं कि बस अभी नहीं मिला तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा ना, टॉलरेंस, धैर्य भी हो, पहले लक्ष्य फिर लक्ष्य प्राप्ति की तीव्रता और फिर धीरज। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच्चानी है उसकी हर एक अदा पर, जो कुछ पास था सब नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, दिल था इधर अब उधर हो चुका है, दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका है। गोपाल मुरलिया लाल मुरलिया वाले,
श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरली आवाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरली आवाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरली आवाले ये आंखें दूसरों का दोष ही देखती, यदि तुम आ जाओ क्यों नहीं आते इन नैनों में प्रेम की ज्योति जगाने, क्यों नहीं आते मन मधुबन में, क्यों नहीं मधुबन में मीठी तान सुनाने, मीठी तान सुनाने, क्यों नहीं आते हृदय कुंज में, क्यों नहीं आते हृदय कुंज में अनुपम रास रचाने, अनुपम रास रचाने, क्यों नहीं आते निज संगिन की विरह व्यथा सुन पाने, क्या जीवन यही बीतेगा, ना तरसाओ मेरे बाके प्रियतम, ना तरसाओ मेरे बाके प्रियतम, मैं तेरी हूँ इतरा कन्हैया सुनो हमारी बात, सुनो हमारी कन्हैया सुनो हमारी बात, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले
प्राप्ति की तीव्रता किस कदर कि क्यों नहीं आते इन नैनों में, यानी नजरों में हमेशा लक्ष्य, मन मधुबन में, मन के अंदर भी उसी की प्राप्ति कि हाउ आई गेट माई टारगेट, जितनी जल्दी हृदय के अंदर, मन के अंदर, नजर के अंदर, यहां फिर तीव्रता और बढ़ जाती है। तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, ये सैक्रिफाइस समर्पण। तेरा दर हो मेरा सर हो तो मजा तेरी राहों में हो गुजर मेरी तो मजा जाए, तेरी राहों में हो गुजर मेरी तो मजा जाए, जो तू जिया है तो जियो, जो तुम्हारे तो मरो, जो तुम्हारे तो मरो, जिंदगी हो ऐसे बसर तो मजा जाए, जिंदगी हो ऐसे बसर तो मजा जाए, बेखबर मंजिल मकसूद को हम चल तो दिए, चल तो दिए, चल मंजिल मकसूद डेस्टिनेशन, बेखबर मंजिल मकसूद को हम इंतजार नहीं किया, चल तो दिए, बेखबर चल भी दिए, पता भी नहीं राहें वहां की है या नहीं, बेखबर मंजिले मकसूद को हम चल तो दिए, चल तो दिए, लेकिन राहों में तेरा घर हो प्यारे, राहों में तेरा घर हो तो मजा जाए, राहों में तेरा घर हो तो मजा जाए, तेरा दर हो मेरा सर हो तो मजा, राहों में हो गुजर मेरी प्यारे, तेरी राहों में हो गुजर मेरी, यानी जो लक्ष्य मेरा है उसी की गलियों में रहूं, यहां वहां भटकू नहीं, तेरी राहों में हो गुजर मेरी तो मजा